तुसी जा रहे हो? हाँ। आज जाना ही, पक्का जाना ही, फिर जा। और तेरी पूरी जा और जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आसिम राजा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। नाजरीन, इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे हैं। सहरी हम लोगों ने कर ली है, रोज़ा बंद कर लिया है, नमाज़ पढ़ ली है। अच्छा, अभी जहाँ हम सहरी कर गए हैं वहाँ होटल पे जो है एक बाबा थे, वो नज़र आ गए, सो लगे मुझे मस्त थे, एक काम करते हैं, वेटर थे वहाँ पे। उनके मैंने कपड़े भी देखे यहाँ से हल्के से ना फटे हुए थे, सो उनको ना सूट दे देते हैं और कोशिश करते हैं उनको राशन भी दे देते हैं। आ जाओ साथ ही चलो। अच्छा भाई, मैं आ गया हूँ गाड़ी पे और मैं ना 2 सूट ले आया हूँ ऊपर से, क्योंकि वहाँ पे एक और वेटर भी है और वो भी बेचारा मतलब परदेश में आके काम कर रहा है और इन लोग की सैलरी ज्यादा से ज्यादा कितनी 15-20 हो जाती है, सही है। तो उसमें इनको काम भी करना है, बचाना भी है, अपने घर भी भेजना है, फिर यहाँ के भी खर्चे निकालने हैं, तो आज के दौर में ना बहुत मुश्किल है यार, 15-20 हज़ार से कुछ भी नहीं बनता। तो चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपकी रिहाइश किधर है? साथ ही है। अच्छा, रिहाइश साथ ही है। ये इसमें एक सूट आप रखो, एक इमरान भाई को दे दो और आप जो है मेरे साथ चलो, मैं आपको आपको भी दे देता हूँ, ठीक है? आप तो मालिक हैं। हाँ हाँ, इन लोग को मैं दे दूँ, तीनों प्रदेश से आए हैं काम करने, ठीक है? एक महीने लेके दिया, एक एक ना। बस सही है, आपने भी दिया, बहुत अच्छी बात है, इसका ख्याल करना चाहिए इन लोग का, ठीक है? एक एक हमने तकरीबन 10 दिन पहले लेके दिया, मैंने बोला था जो कौन सा पसंद आ रहा है, ठीक है? तो मेरे साथ आ जाओ, 2 महीने आ जाओ, मैं सूट दे देता हूँ। चलो हम इमरेट के मस्जिद पे इसको छोड़ लें नीचे। मस्जिद पे कौन सी? ये इमरेट के नीचे ऊपर वाले। अच्छा, ये ना मस्जिद के साथ ही आ जा, मैं खोलता हूँ, ठीक है? इमरान भाई खुश हो, ईद का सूट है, सिलवा के ईद के बाद दिखाना है भाई। इमरान भाई और चचा को मैंने सूट दे दिया है और मेरे जहन से निकल गया था कि असद भी हमारे साथ होता है, इसी होटल पे जाता हूँ खाना खाने, हम लोग मतलब दिन रात वहीं जाते हैं। कौन सी जगह से आया? कश्मीर। ये भी कश्मीर से आया है। क्या उम्र है? 16 साल। परदेश में आके काम कर रहा है, सो देख लो मजबूरियाँ होती हैं। राशन मैंने देना था लेकिन होटल वाले इनके साथ ही होते हैं, वहीं होते हैं ना, खाना पीना वहीं है आप लोग का, फिर राशन इन लोग को नहीं, राशन किसी और को दे देंगे। सूट मैं इसको भी दे दूँ, इसको भी जल्दी होगी और बाकी वो लोग भी जल्दी में से मैं सूट दे देता हूँ और फिर चलते हैं घर। ये कलर देख ले, सही है, पक्की बात है, ठीक है ना? चलो भाई, असद को भी हमने सूट दे दिए, बाकी जितने भी सूट हैं वो हम लोग देखेंगे, बस दुआओं में याद रखना है, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। यार काफ़ी जो है ना वो हो रहा है अजीब, एक 16 साल का बच्चा कश्मीर से रावलपिंडी में सिर्फ मजदूरी कर रहा है, अपनी फैमिली से दूर, अपने भाइयों से दूर, अपनी बहन से दूर, अपनी माँ से दूर, अपने बाप से दूर। सो बहुत मुश्किल है यार आजकल की लाइफ, और मतलब इतनी गुर्बत छाई हुई है, खुद एक हिसाब लगा लो यार, 16 साल का बच्चा जब मैं मतलब निकला हुआ काम के लिए। और आप सबसे गुजारिश है कि अपने इलाके में आगे पीछे कोई गरीब है, ज़्यादा नहीं, एक बंदे की ना हेल्प कर दो ईद पे, उनको मतलब छोटी सी ईदी दे दो, 500 रुपये दे दो ईदी, ज़्यादा नहीं करो। सो किसी एक को 500 रुपये ईदी दे के देखो और उसके चेहरे पे एक खुशी नज़र आएगी और वो खुशी को देखो, यकीन मानो दिल से खुशी होगी वो खुशी देख के। बस इसी तरह सपोर्ट करते रहो, नीचे डोनेट करने के लिए नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, जाओ कॉन्टैक्ट करो, डोनेट कर दो, इंशाल्लाह आपका पैसा सही जगह लगेगा। अभी चलते हैं घर, तो जल्दी से पैकिंग वगैरह करें और फिर हमें अपने घर निकलना है, उन्होंने कश्मीर में भी जाना है तो टाइम हमारे पास कम है, ठीक है? ये देखें भाई, सारा सामान उठाया हुआ है और अब हम लोग जा रहे हैं, बहुत याद आएगी इस घर की, ऐसा लग रहा है बस दिल मेरा ऊपर नीचे होता जा रहा है, बस रोना सा आ रहा है। ये हमजा भाई आए हुए आज हमारे पास, ये भी कश्मीर के ही हैं, इनके ही एक ही खेत की मूलियाँ हैं तीनों। ताला लगा देना यार, आज मैं गाड़ी के पास जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब भाई ईद के बाद आएंगे यहाँ पे इंशाल्लाह। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद। ओके भाई, हमजा भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। लोगों के बाद अल्लाह हाफिज़। लोगों को किसने दिखा रहे? हाँ इमोशनल सीन होते हैं ये, लग जा रहे हैं हमें, ये हमें छोड़ के जा रहे हैं। तुसी जा रहे हो? हाँ। आज जाना ही, पक्का जाना ही, फिर जा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। चलो भाई, ये लोग भी जा रहे हैं, अल्लाह इनको खैर खैरियत से पहुंचाए, मैं और हारिस भाई भी जा रहे हैं, हम लोग भी घर, और रास्ते में अभी देखते हैं अगर कोई नज़र आ गया ना, सुबह का टाइम है वैसे मुश्किल है, लेकिन कोई भी अगर मुस्तैक नज़र आ गया तो पीछे राशन जो पड़े
वो हम देते हुए जाएंगे, ठीक है। भाई इस वक्त सुबह के 7:45 हो रहे हैं, हम लोग पहुंच गए घर। अभी फुल नींद में हूँ क्योंकि रात पूरी सोए नहीं है, सो अभी सो जाते हैं। मिलता हूँ आप लोगों से दिन में या शाम में, ठीक है। ओके गाइस, सो मैं उठ गया हूँ और इस वक्त जो है 4:15-4:30 हो रहे हैं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश वाला, देखो बारिश वाला मौसम है और अन करीब बारिश होने वाली है। मैंने बोला अभी व्लॉग शूट कर लूँ क्योंकि फिर बारिश अगर हो गई ना तो फिर व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगा और अंदर मुझसे नहीं बनते, और फिर ऊपर से घर भी आ गए हैं, सो घर में तो पता नहीं मेरे व्लॉग किस तरह के बनेंगे। खैर वो देखो यार, एक तो व्यू ऊपर से, ये देखें फसलें काट रहे हैं लोग। अच्छा ये मैंने आप लोग को भी दिखानी है कि लोग फसल वगैरह काट रहे हैं, और बट अभी नहीं क्योंकि अभी मेरी नाजुक सूरत हाल है, या नाजुक सूरत हाल नहीं, असल में सफ़र भी करके आए ना तो थके हुए। और बाकी आज हम लोगों ने काफ़ी सूट दे दिए सुबह से, मेरे ख्याल से 6 अभी दिए थे आते हुए और 3 हमने वहाँ दे दिए थे, सो 9-10 सूट दे चुके हैं हम लोग। और बाकी जो रह गए वो भी इंशाल्लाह बांट देंगे, राशन पड़ा हुआ है गाड़ी में वो भी देना है, वो कल दे देंगे इंशाल्लाह। और यार सैयद शाहजेब भाई प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर लो इंस्टाग्राम पे जाके, आपने अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किया है, आपके एंट्री निकले हैं गिव अवे, मैं चाह रहा हूँ कि आप तक ही पहुँचे। तो अगले 2 व्लॉग इंतज़ार करूँगा आपका, आपकी इमानत पड़ी है, अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं दोबारा से शफल करके किसी और को दे दूंगा, ठीक है। कोशिश करो जल्द से जल्द जो है कॉन्टैक्ट करो, अगर कोई है मेरा और व्यूअर जो सैयद शाहजेब को जानता है तो यार काइंडली उसको बताओ कि उसके एंट्री निकल गए हैं, कॉन्टैक्ट कर लें इंस्टाग्राम पे और रिसीव कर लें अपने एंट्री, ठीक है। बाकी फिर करते हैं इस व्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। यार मौसम भी बहुत अच्छा है और गाँव में सुकून भी इतना है कि वाकई सुकून सुकून फील हो रहा है, सो 2-3 दिन तो बड़ा अच्छा लगेगा, सुकून होगा, फिर उसके बाद बंदा बोर होता है, तो देखो आगे 2-3 दिन बाद क्या होता है। अभी तो मैं सुकून फील कर रहा हूँ शहर से निकल के आके गांव में, चिल माहौल, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक रखें अपना ख्याल, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।